सभी मुरैना जिले वासियों को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा फेसबुक लाइव है वो खरीदी को लेकर है और सभी किसान बंधुओं से भी ये बताना चाहूँगी कि बिल्कुल ही वो घबराएं नहीं। सर्वप्रथम ये जिला कलेक्टर होने के नाते ये आश्वासन देना चाह रही हूँ कि जितने भी हमारे पंजीकृत किसान हैं उनकी खरीदी की जाएगी। खरीदी इस बार जो है गेहूं, सरसों, चना और मसूर चारों चीज़ों की खरीदी की जा रही है। हमारा मुरैना जिला जो है सरसों उत्पादन में बहुत बड़ा जिला है, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ के किसान सरसों की खेती करते हैं, उनके उपज का जो है खरीदी किया जाएगा। वर्तमान में हमारे पास 20,000 से अधिक किसान हैं जिन्होंने सरसों का पंजीयन किया था और मैं पुनः बता रही हूँ कि प्रत्येक 20,000 किसान से जो है खरीदी किया जाएगा। गेहूं का रकबा भी हमारे यहाँ है और अच्छी गेहूं का पैदावार भी है, गेहूं की भी खरीदी की जाएगी, वो भी लगभग 19,000 19,500 किसान है। तो कुल मिला के पूरे किसानों से खरीदी का हम प्रबंधन कर रहे हैं। इसमें व्यवस्थाएं जो रहेगी ये आप कृपा करके ध्यान पूर्वक सुन ले। सबसे पहले हम जो है हमारे खरीदी केंद्र का जो है विस्तार कर रहे हैं। पिछले सालों में अमूमन जो है हम खरीदी करते थे सरसों की 18 केंद्रों पे, 15 केंद्रों पे, 9 केंद्रों पे और गेहूं का करते थे 30 से 40 केंद्रों पे। इस बार हम इसको बढ़ाकर 83 केंद्रों पे जो है हम खरीदी का काम कर रहे हैं और प्रत्येक खरीदी केंद्र पे गेहूं भी लिया जाएगा, सरसों भी लिया जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे किसान को ये कोरोना के महामारी के चलते बहुत दूर आना ना पड़े। जो उनका नजदीकी खरीदी केंद्र है वहां पे वो अपना उपज ले जा सकेगा और प्रत्येक खरीदी केंद्र पे जो है जिसके साथ उसको संबद्ध या मैप किया गया है, जो दूरी के आधार पर किया जाएगा, वहां पे वो अपने दोनों उपज को जाके ले जा सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि सरसों के लिए आपको किसी और केंद्र में जाना पड़ता था, किसी और वेयर हाउस में जाना पड़ता था और गेहूं के लिए कहीं और में जाना पड़ता था। अब इस बार ये आपको नहीं करना पड़ेगा, जो आपका केंद्र निर्धारित किया जाएगा आपके निकटतम दूरी के आधार पर, वहीं पर जो है आप सरसों और गेहूं दोनों ही बेच पाएंगे। इसमें एक परिवर्तन ये जरूर है जिसको आप बहुत गौर से समझ लें कि केवल मात्र SMS के आधार पर ही खरीदी होगी। हमेशा से आपको सरकार की तरफ से SMS आता है, अधिकांश किसान जो है SMS के आधार पर ही केंद्र पे पहुंचते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है या पिछले सालों में ये रहा है कि अगर किसी कारणवश जिस डेट को उसको खरीदी का SMS गया है उसके घर में कोई तकलीफ हो, उसकी फसल कटी नहीं हो, उसकी ट्रॉली की व्यवस्था नहीं हो पाई, इन्हीं कारणों के वजह से किसान जो है खरीदी केंद्र पे नहीं पहुंच पाता था। तब किसान क्या करता था कि अगर मान लीजिए खरीदी का डेट कल है तो वो कल ना जाकर परसों पहुंच जाता था। इस बार आप ये कृपा करके नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ SMS के आधार पर करेंगे। और मान लीजिए जिस दिन आपको SMS मिला उस दिन आपको कोई परेशानी है, आप आ नहीं पा रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें, आपको दो और डेट दिया जाएगा जिसमें आप आ सकते हैं। अगर आप बिना SMS के खरीदी केंद्र पे पहुंचेंगे तो फिर जो पुलिस व्यवस्था लगी है वो आपको वहीं से लौटा देगी। तो इसमें आपका नुकसान क्या होगा, आपको लेबर का नुकसान होगा, आपने जो ट्रॉली किया है उसका नुकसान होगा, आप अनावश्यक परेशान होंगे, आपको खड़ा रहना पड़ेगा, फिर वापस जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप भरोसा रखिए, जब हम बता रहे हैं कि प्रत्येक किसान से खरीदी होगी तो आप अपने SMS वाले दिन आइए। अगर आपको परेशानी है, प्रथम दिन मान लीजिए आपको SMS आया 20 तारीख को कि आपको अपनी गेहूं की फसल लानी है, और अगर आपका गेहूं का फसल कटा ही नहीं है तो मैं समझ सकती हूं कि आप 20 तारीख को नहीं आ पाएंगे। तो ये चीज जैसे ही आपके साथ होती है तो आप हमारे कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि भाई हमको 20 तारीख को आपने बुलाया है लेकिन मेरी तैयारी नहीं है, मैं 20 को नहीं आ पाऊंगा, तो फिर हम आपको जो है दूसरा डेट आपके सुविधा के हिसाब से जारी कर देंगे। तो और फिर मान लीजिए वो डेट आपने बताई आपके सुविधा के हिसाब से कि 22 के बाद आप मुझे कभी भी बुलाइए, तो हम आपको 22 को, 23 को या 25 को एक डेट देंगे जिसमें आप आएंगे। इस प्रकार से आपके पास, एक किसान के पास दो बार ऑप्शन रहेगा, एक तो उनको पहले ही
जारी किया जाएगा, उस पर अगर वो नहीं आ पाते हैं उसके बाद उनके पास दो बार और ऑप्शन रहेगा। लेकिन बगैर SMS के अगर आप केंद्र पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, पूरे प्रदेश में पूरे देश में अभी भी लोग बाग जो है बीमार हो रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में लोगों की मौत भी हो रही है और ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप SMS के आधार पर ही केंद्र पर पहुंचे। केंद्र में आपके सुरक्षा के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, आपका जो है मेडिकल चेकअप भी होगा, उसके बाद ही आप खरीदी केंद्र में खरीदी कर सकते हैं। खरीदी केंद्र में जो हमारे कर्मचारी काम करेंगे, चाहे वो हम्माल हो, चाहे हमारा खरीदी केंद्र प्रभारी हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, ट्रांसपोर्टर हो, अन्य जितने भी सहकारिता और खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, इन सबका भी स्वास्थ्य परीक्षण होगा, ताकि इनसे आपको संक्रमण ना हो और आपसे इनको संक्रमण ना हो, इसलिए स्वास्थ्य परीक्षण सबका होगा। और सारे कर्मचारियों को जो है ग्लव्स, जैसे मैंने पहने हैं, मास्क दिया जाएगा। हाथ धोने की व्यवस्था आप लोगों के लिए भी किया जाएगा। और आप लोगों से भी निवेदन है कि जब आप घर से बाहर अपने खरीदी केंद्र के लिए निकले तो आप मास्क पहने। अगर मास्क नहीं है ग्रामीण परिवेश में, आप गमछा को भी ओढ़कर, जैसे आप गर्मी के समय पे ओढ़ते हैं, उसमें बस इतना ध्यान रखिए कि आपका नाक कवर हो जाए, तो ऐसे करके भी आप लगा के आ सकते हैं। और अगर आपके पास मास्क है तो आप मास्क बिल्कुल पहन के आइए। आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। और हमारी दूसरी प्राथमिकता ये है कि जो पूरे जिले के 40,000 किसान हैं, उन सभी का उपज हम खरीदेंगे। खरीदी के लिए जो है हमारी पूरी तैयारी है। इस फेसबुक लाइव के बाद जो है हम सारे खरीदी केंद्रों का सूची जो है फेसबुक और ट्विटर पे डाल दे रहे हैं। मेरा समस्त जनप्रतिनिधियों से, किसान संगठनों से निवेदन है कि अगर आपका और कोई सुझाव है कि और कोई केंद्र हम बढ़ा सकते हैं, तो वो भी आप तत्काल हमें बता दीजिए, ताकि उन केंद्रों को हम जोड़ सके। केंद्र हम इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि एक केंद्र में कम से कम किसान आ पाए। पहले क्या होता था कि एक केंद्र पे जो है एक दिन पे आराम से 30 से 40 किसान आते थे और उनकी कम से कम, लेकिन इस बार ऐसा व्यवस्था रखा जाएगा कि अधिकतम जो है 10 से 15 किसान ही एक दिन में आएंगे और उन्हीं का तुलाई होगा और उन्हीं से खरीदी की जाएगी, ताकि थोड़ा थोड़ा करके हम सारे किसानों को लाएं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब जो सामाजिक दूरी या एक बंदे से दूसरे बंदे से जो दूरी मेंटेन करना है वो हम कर सके, ताकि किसी को भी ये बीमारी का संक्रमण ना हो सके। तो पूरी खरीदी की यही व्यवस्था रहेगी। SMS जो जाएंगे वो पहले छोटे किसान, मतलब लघु और सीमांत किसानों को जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे सारे बड़े किसानों के पास या मध्यम किसानों के पास भी SMS जाएगा। लेकिन SMS जाएगा सभी 40,000 के पास, और तीन बार SMS जाएगा अगर वो प्रथम बार में अपनी खरीदी नहीं करा पाता है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, धैर्य रखिए और केंद्र पर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे, और जिस दिन SMS है उसी दिन पहुंचे, अन्यथा जो है हमें बहुत दुख के साथ और सख्ती के साथ आपको वापस करना पड़ेगा, जो हम करना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए जिस दिन आपको SMS मिल रहा है उसी दिन पहुंचिए। अगर उस दिन नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमें सूचित कीजिए, हम आपको आपके सुविधा के हिसाब से दूसरा डेट देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।